अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तब आपका जवाब क्या होगा? खैर, आपका जवाब जो भी हो, लेकिन आज हम आपको दुनिया के ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग 5000 से भी अधिक सालों से हजारों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की, जिसे उस वक्त बनाया गया था जब हम इंसानों को ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी चपटी है या गोल। ये उस वक्त बनाया गया था जब सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हो रहा था। दोस्तों, अब सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या वाकई में इन हैरतअंगेज पिरामिडों को आज से करीब 5000 साल पहले उस समय के इंसानों द्वारा बनाया गया था? आखिर उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उसने 23 लाख ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि उसमें से एक बाल का तिनका भी नहीं घुस सकता। जिन पत्थरों का इस्तेमाल करके ऊंचे ऊंचे पिरामिडों का निर्माण किया गया, उस हर एक पत्थर का वजन 20,000 किलो से 70,000 किलो था। आखिर उन्होंने इतने भारी पत्थरों को इतने बेहतरीन तरीके से कैसे एडजस्ट किया होगा? इसके साथ ही उन पत्थरों को उठाया कैसे गया होगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारे पास इस समय जो सबसे ज्यादा वजन उठाने वाली क्रेन है, वो भी 20,000 किलो तक का वजन इतनी ऊंचाई तक नहीं उठा सकती। तो फिर आज से 5,000 साल पहले उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पिरामिड को हम बेहतरीन कलाकृतियों की कला मानते हैं, उन पिरामिडों को हमारी दुनिया के बाहर से आए एलियनों ने अपने किसी खास मकसद के लिए बनाया हो, एक ऐसा मकसद जिससे आप और हम अनजान हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं रहस्यों के पहलुओं के बारे में बताएंगे, जिसे सुनना आपके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इजिप्ट में बना ये पिरामिड हमारी दुनिया के लिए बहुत खास है। यही एक वजह है कि हमने इस पिरामिड को हमारी दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना है। पिछले कई दशकों में इस पिरामिड के रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की टीम ने सैकड़ों स्टडीज की हैं, लेकिन इस पिरामिड के अंदर ऐसे राज दफन है जिसका पूरा खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। दुनिया के साइंटिस्ट आज तक इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं, इतने भारी भारी पत्थरों को इतने बेहतरीन तरीके से कैसे रखा गया होगा, आखिर किस तरीके के कॉन्क्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया होगा जो आज से इतने हजार साल बाद भी एकदम परफेक्ट तरीके से बंधे हुए हैं। मेरा यकीन मानिए, जब आप इस स्ट्रक्चर को पास से देखेंगे, तब आपको भी ये मानना होगा कि इतने भारी स्ट्रक्चर को कैसे खड़ा किया गया होगा। इनके इन पिरामिडों में सिर्फ एक पिरामिड में 23 लाख पत्थरों का यूज किया गया है, और इन पत्थरों का वजन इतना अधिक है कि आज की दुनिया की सबसे ताकतवर क्रेन भी उसे उतनी ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठा सकती। लेकिन आज से करीब 5,000 सालों पहले उन इंसानों ने पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे किया होगा? यही वजह है कि दुनिया भर के शोधकर्ताओं को पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया, तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को बाहरी दुनिया से आए एलियन से जोड़कर देखने लगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन ऊंचे ऊंचे पिरामिड को बनाने की असली वजह क्या थी, इनका क्या मकसद था? आपने आज तक किताबों और अखबारों में सिर्फ यही पढ़ा होगा कि पिरामिड असल में एक कब्र है जिसके अंदर वहाँ के राजा और रानी की मम्मियों को रखा जाता है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये बात सिर्फ एक कल्पना के आधार पर बताई जाती है। दरअसल इतिहासकारों का कहना है कि पुराने समय में कि मिस्र के लोग मरे हुए लोगों के शरीर पर एक खास तरीके का लेप लगाकर और फिर उसे कपड़े में लपेटकर रख दिया करते थे। उसे मम्मी कहा जाता था, और इतिहासकारों का मानना था कि गीजा का ये पिरामिड उस समय के राजा और रानी की कब्र है। लेकिन उनमें सबसे खास बात यह है कि आज तक उन सभी पिरामिडों और उसके आसपास बनी सुरंगों में एक भी मम्मी हासिल नहीं हुई है। पिरामिड में रिसर्चर ने आज तक जितने भी सुरंगों की खोज की है, उसमें से एक भी टनल ऐसा नहीं था जिसके अंदर मम्मी जैसी चीज कोई मिली हो। जिस चैम्बर को उस वक्त की रानी का कब्र समझा जाता था, उसमें से ना तो रानी की मम्मी निकली, और जिस चैम्बर को राजा की कब्र समझा जाता था, उसमें से राजा की मम्मी भी नहीं निकली। वहां मौजूद सभी टनल और टंप पूरी तरीके से खाली थे। यही वजह है कि धीरे धीरे रिसर्चर भी ये मानने लगे कि इन पिरामिडों से कब्र का कोई लेना देना नहीं है। इस स्ट्रक्चर को बाहरी दुनिया से आए एलियनों ने किसी खास मकसद के लिए बनाया है। अगर कुछ जानकार की बात माने, बाहरी दुनिया से आए लोगों या एलियनों का पावर प्लांट है, क्योंकि उस पिरामिड के अंदर बहुत से ऐसे चित्र और पेंटिंग्स मिली हैं जो हूबहू एलियंस और उसके जहाजों से मैच करती हैं। ये पिरामिड बाहर से देखने में जितना रहस्यमय लगता है, उससे अधिक रहस्यों से भरी वहाँ की सुरंग थी जो पूरे पिरामिड के एरिया में जगह जगह बनी हुई है। पहले ये सोचा जाता था कि ये सुरंग वेंटिलेशन के लिए बनाई जाती है ताकि अंदर मम्मीज तक ताजी हवा पहुंचती रहे। जब एक रिसर्चर ने कैमरे के जरिए रोबोट को अंदर भेजा, तब उन्होंने देखा कि सुरंग के अंत में एक बंद दरवाजा जैसा बना हुआ है, यानी कि इसका वेंटिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। उस रिसर्चर ने वहां की गवर्नमेंट से ऑर्डर लेकर दरवाजे में ड्रिल के द्वारा छेद किया गया और उसके अंदर एक छोटे से कैमरे को भेजा गया, लेकिन उस कैमरे से महज एक तस्वीर ही क्लिक हो पाई और किसी रहस्यमय तरीके से वो कैमरा अचानक बंद हो गया। उसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने
ऐसी जगहों पर रिसर्च करने के लिए बैन लगा दिया। वेंटिलेशन की बात तो हो गई, लेकिन उस दरवाजे का राज आज भी राज ही है। इस पिरामिड की एक और खास बात यह भी है कि जब आप इस पृथ्वी के सेंटर को खोजेंगे, बहुत ही हैरतअंगेज तरीके से इस पृथ्वी का सेंटर आपको इजिप्ट का पिरामिड दिखाई देगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय के लोगों को यह भी नहीं पता होगा हमारी पृथ्वी चपटी है या फिर गोल, तो इसके बावजूद उन्होंने पृथ्वी के सेंटर का पता कैसे लगाया होगा। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। इस पिरामिड से जुड़ी एक और आश्चर्यजनक बात यह भी है कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल करके इन पिरामिडों को बनाया गया है वो किसी भी आम पत्थरों से हजारों गुना ज़्यादा मजबूत है, और दुनिया भर के साइंटिस्ट सैकड़ों स्टडी के बाद भी आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर वो पत्थर असल में है क्या चीज़। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो लाइमस्टोन और ग्रेफाइट्स के पत्थर हैं, लेकिन पिरामिड में यूज़ होने वाला पत्थर लाइमस्टोन जैसा है लेकिन लाइमस्टोन नहीं है। ऐसा पत्थर पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं पाया जाता। आज से करीब 5000 साल पहले उस पिरामिड को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के समय में भी सही से नहीं हो पाता। उस समय के इजिप्ट के पिरामिड को बॉल एंड सॉकेट पॉइंट्स के जरिए बनाया गया था। यही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारी भूकंप के साथ साथ गर्मी को भी झेलती है ना हैरान करने वाली बात। आज से 5000 साल पहले बनाया गया एक ऐसा स्ट्रक्चर जो भूकंप रोधी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय के लोगों ने पिरामिड को इस तरीके से डिजाइन किया, बाहर कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता ही नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गीजा के इस पिरामिड से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जहाँ से रेगिस्तान की रेत हर वक्त आकर पिरामिड से टकराती रहती है, लेकिन इसके बाद भी पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जाता। 20 डिग्री तापमान ही मनुष्य के रहने के लिए सबसे कंफर्टेबल तापमान होता है। इससे आप भी सोच सकते हैं कि आज से करीब 5000 साल पहले उन लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से उन्होंने एक एयर कंडीशनर बिल्डिंग और इसके साथ ही भूकंप के झटकों को झेलने वाली बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दी। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता कि आज से करीब 5000 साल पहले उन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर होगी जिसका आज के वक्त में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस समय के लोगों ने पिरामिड को इस तरीके से बनाया था, या फिर हम ये कहें कि पिरामिड बनने के बाद उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ की परत चढ़ाई गई थी जिसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ने से वह तारे की तरह चमकता था। उसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि चंद्रमा के ऊपर से भी उसकी चमक को साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन नुकसान की बात यह है कि आज से करीब कुछ सदी पहले आए भूकंप की वजह से ये परत पूरी तरीके से झड़ गई। हालांकि इसके अवशेष अभी भी पिरामिड के ऊपर बचे हैं। पिरामिड से महज कुछ ही दूरी पर एक ऐसी आकृति बनी हुई है जिसे अगर दुनिया का सबसे रहस्यमय स्टैचू कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, और स्टैचू का नाम द ग्रेट समथिंग्स ऑफ गीजा है। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है लेकिन पूरा शरीर बिल्कुल जानवर की तरह। इस स्ट्रक्चर पर भी पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ की थी, लेकिन उन्हें इस बात का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है कि इस स्टैचू को बनाने के पीछे उनका असली मकसद क्या था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है जिसे सिर्फ एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। इस स्टैचू की चौड़ाई 74 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इस स्टैचू को सिंगल स्टोन लार्जेस्ट स्टैचू की लिस्ट में रखा गया है। हजारों सालों से ये स्टैचू वहाँ के रेगिस्तान की मिट्टी में दबा हुआ था, लेकिन साल 1900 के वक्त के खोजकर्ताओं ने इसके ऊपर से बालू को हटाकर ये स्टैचू खोज दिया, जिसके बाद 5000 सालों पहले बना ये स्ट्रक्चर दुनिया के सामने आ गया। और जब खोजकर्ताओं ने इस स्टैचू के ऊपर और ज़्यादा अध्ययन किया तो खोज में ये पता लगा कि स्टैचू के नीचे तो दो बड़ी बड़ी सुरंग और हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उसकी रिसर्च के लिए बैन लगा दिया। वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्टों का मानना है कि ऐसा संभव है गीजा के पिरामिड को हम जितना ऊपर से देखते हैं उससे कहीं बड़ी और अनोखी दुनिया इन पिरामिडों के नीचे बसी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? आज से करीब 5000 साल पहले बनी उस टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि बिना बाहरी दुनिया की मदद के हमारी प्राचीन मानवता इस तरीके के स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते? अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। इसके साथ ही अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए